तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते शुक्रवार यानी कि 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन। फिलहाल चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर जो कर रही है बढ़िया कर रही है, शानदार कर रही है, क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी फिल्म अपने ओपनिंग डे पर बहुत ही कम ओपनिंग लेने में कामयाब रही थी, जिससे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिल्म ने जो रफ्तार पकड़ी है वो रफ्तार अभी भी चालू है और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही और सारे हेटर्स की इस फिल्म ने बोलती बंद कर दी है। तो दोस्तों फिलहाल चंदू चैंपियन ने सिनेमाघरों में 5 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुआ सिनेमाघरों में छठवां दिन चल रहा है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में चंदू चैंपियन अपने पहले 5 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने छठवें दिन यह फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म का 6 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी चंदू चैंपियन फिल्म पसंद आई है और कार्तिक आर्यन को आप एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म चंदू चैंपियन की तो ये फिल्म बहुत ज्यादा चर्चाओं में थी। हालांकि जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था फिल्म का ट्रेलर तो शानदार था, लेकिन फिल्म उतना बस क्रिएट नहीं कर पाई थी जितना कि इस फिल्म को करना चाहिए था। और दोस्तों ये नेक्स्ट लेवल फिल्म है, कोई ऐसी छोटी मोटी फिल्म नहीं है, कोई घटिया फिल्म नहीं है। चंदू चैंपियन एक शानदार फिल्म है जिसमें कार्तिक आर्यन ने अपनी एक्टिंग से लोहा मनवाया है। मैं कहता हूं कि कार्तिक आर्यन ने अपने करियर की जब से शुरुआत की है और मैंने जितनी फिल्में कार्तिक आर्यन की देखी है मुझे अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म लगी है चंदू चैंपियन। हालांकि एक फ्रेंडी फिल्म थी उसमें भी मुझे इनका किरदार अच्छा लगा था, वो ऑनलाइन रिलीज हुई थी, लेकिन चंदू चैंपियन की बात ही अलग है क्योंकि एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो कि कबीर खान के डायरेक्शन में बनी है, जो कि एक बड़े डायरेक्टर है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला और कबीर खान ने। फिल्म में हमें कार्तिक आर्यन के साथ विजय राज, भुवन अरोड़ा और इसी के साथ साथ राजपाल यादव भी अहम किरदार में देखने को मिले। और दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था, यानी कि छोटे मोटे बजट पर नहीं बड़े बजट पर इस फिल्म को बनाया गया था। लगभग 120 करोड़ रुपए बजट था फिल्म का। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का पहला दिन उतना शानदार नहीं रहा था। फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 5 करोड़ 40 लाख रुपए इंडिया से नेट कमाई थी, तो वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो लगभग 8 करोड़ 70 लाख रुपए था। दूसरे दिन सैटरडे को फिल्म के कलेक्शन में अच्छा उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी और उसके बाद संडे को तो फिल्म ने तहलका मचा दिया था और फिल्म ने 11 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और फिल्म का जो 3 दिनों का वीकेंड रहा था ऑफिशियली वो 24 करोड़ 11 लाख रुपए का इंडिया से नेट रहा था, तो वहीं फिल्म ने जो इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन था वो 27 करोड़ रुपए का कर लिया था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 7.5 करोड़ रुपए और कुल मिला के फिल्म की जो पूरे वर्ल्ड में टोटल कमाई थी 3 दिनों की वो 34 करोड़ 50 लाख रुपए थी। उसके बाद आता है चौथा दिन यानी कि ईद की छुट्टी थी तो यहां पर फिल्म ने पूरा फायदा उठाया और फिल्म ने 6 करोड़ रुपए की कमाई की अपने चौथे दिन। और फिल्म का 4 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 30 करोड़ 12 लाख रुपए ऑफिशियली 30 करोड़ 12 लाख रुपए इंडिया से नेट हो चुका है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 43 यानी कि 43 करोड़ रुपए कर चुकी है। अब आता है पांचवा दिन यानी कि कल फिल्म ने क्या किया, तो फिल्म के कलेक्शन में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने कमाए 4 करोड़ रुपए। बात करूं मैं छठवें दिन यानी कि आज की, तो दोस्तों आज भी फिल्म कम से कम 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है। तो फिल्म की जो 6 दिनों की टोटल कमाई है आज तक की चंदू चैंपियन की वो 37 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी, तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 55 करोड़ रुपए कर रही है। हालांकि फिल्म अभी कमाई तो अब तक ठीक ठाक की, लेकिन अगर फिल्म के कलेक्शन में अब ज्यादा गिरावट है देखने को मिली तो हो सकता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हो जाए। लेकिन फिल्म की मैं तारीफ ये करूंगा, शानदार फिल्म है, बढ़िया फिल्म है, देखने लायक फिल्म है। अब अगले हफ्ते कल की भी रिलीज हो रही है तो मुझे लगता है कल की से पहले पहले जितनी कमाई कर लेगी चंदू चैंपियन उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल की एक बार रिलीज होगी तो वो सारी फिल्मों को फिर तहस नहस कर देगी, सारे रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। तो चंदू चैंपियन बस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जितना चलनी थी या उससे ज्यादा जो चलनी थी ये तब तक ही चलेगी जब तक कल की रिलीज होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको चंदू चैंपियन कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा।